नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पना। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं होम्योपैथी के बारे में, कैसे होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिवर यानी जिगर के बारे में और जानेंगे एक बहुत ही यूज़फुल हेल्पफुल दवा जो लिवर के लिए है। स्पेशली अगर अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्पेशली बियर ज़्यादा लेते हैं और उसके वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन के लिए ये दवा बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी नया इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लिवर हेल्थ एंड होम्योपैथी। की दवा कार्डुअस मेरिनस के बारे में जो बनता है सेंट मेरीज थिसल से। ये जो दवा है कार्डुअस मेरिनस, इसका जो एक्शन है ये बहुत ही अच्छा एक्शन इसका होता है लिवर में। अब जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं और अल्कोहल में भी खास तौर से बियर बहुत ज़्यादा पीते हैं और उनको पाचन समस्या है, उनका खाना ठीक से पचता नहीं है, भूख ही नहीं लगती है, कब्जी रहती है, मोशंस नहीं होते हैं, बदहजमी होती है और फैटी लिवर भी उनका आ रहा है, तो क्या करें। ऐसे में कार्डुअस दवा अगर आप लेते हैं, ये बेहद हेल्पफुल मेडिसिन ऐसी समस्याओं के लिए है। अब हम लिवर की बात करें तो अगर गॉल स्टोन्स हो रहा है, गॉल ब्लैडर में आपको पथरी हो गई है और इसके कारण से आपको पेट में दर्द रहता है, कई बार क्या होता है जो पथरी का दर्द है वो आपका स्कैपुला तक भी जाता है, तो आपको राइट साइड स्कैपुला में या इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला में दर्द होता है, रेडिएटिंग पेन होता है। जब दर्द ऐसा आता है तो लगता है बिल्कुल ना हिल सकते हैं ना डुल सकते हैं, एकदम एक ही पोजीशन में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन आपको हो रहा है। ऐसे में हमारी दवा कार्डुअस, चियोनेंथस, चेलिडोनियम, ये सब दवा बहुत हेल्पफुल है। कार्डुअस में हम क्या देखते हैं, लिवर में तो समस्या है ही, इसके साथ साथ स्प्लीन में भी प्रॉब्लम है। तो आपको जो दर्द है वो केवल राइट साइड लिवर में ही नहीं बल्कि लेफ्ट साइड स्प्लीन के तरफ भी आपको दर्द का महसूस होता है। स्प्लीनोमिगेली, या ऐसा बोले कि एक तरह से स्टेसिस हो गया है, कंजेशन हो गया है, पाचन बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया है और इसके कारण से आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, कब्जी रहती है, मोशंस ठीक से नहीं होते हैं, आपका बदहजमी से आप सफ़र कर रहे हैं, आपका पेट फूला हुआ रहता है, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन है, खाना तो पच ही नहीं रहा है, आपको जॉन्डिस के सिम्टम्स आते हैं, आँखों में पीलापन सा रहता है, चेहरा एकदम से येल्लोइश सा होता है, कोई आपको एनर्जी नहीं रहती, वीकनेस का आप महसूस करते हैं, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आप महसूस करते हैं। कार्डुअस में जैसे हम कॉन्स्टिपेशन में इसको यूज़ करते हैं, तो कार्डुअस का एक और रोल भी होता है। अगर आपको लूज मोशंस या डायरिया हो रहा है किसी प्रकार के रेक्टल कंप्लेंट्स के वजह से, या ऐसा कहें रेक्टल मेलिग्नेंसी अगर हो रहा है जिसके वजह से लूज मोशंस डायरिया हो रहा है, तो ऐसे में भी कार्डुअस का बड़ा अच्छा रोल है। तो ओवरऑल अगर एक कंजेशन है, स्टेसिस है, जो हम देखते हैं वेरिकोसिटीज़ है, तो इसमें कार्डुअस अच्छा एक मेडिसिन है जो अच्छा काम करती है। तो सब कुछ बॉडी में स्लो डाउन हो गया है, स्टेसिस हो गया है, थम गई है चीज़ें, तो पाचन हो नहीं रहा, सब कुछ थम गया है, खाना तो खाया है पर सब कुछ थमा हुआ है, डाइजेशन नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो कार्डुअस जब आप लेते हैं तो क्या होता है, आपके जो बाइल जूसेस हैं वो ठीक से सिक्रीट होता है, खाना ठीक से पचता है, फैटी लिवर में आपको ये मदद कर सकता है, ये आपके मोशंस ठीक से हो इसे भी ये रेगुलेट कर सकता है। पर हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं उसके वजह से फैटी लिवर है, उसके वजह से प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली अल्कोहल कंट्रोल करना, अल्कोहल नहीं लेना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको रिलीफ मिलेगा।
अब हम बात करते हैं, अगर आपको हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो भी हमारी जो दवा कार्डुअस है वो हेल्प करेगी। तो अगर एल्कोहलिक्स हैं, उनको फैटी लिवर है, उनको हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम है, मोशंस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेन डालते हैं तो फिर उसके वजह से पाइल्स बन जाते हैं, हेमरॉइड्स बन जाते हैं, तो भी आप कार्डुअस मेडिसिन दे सकते हैं। यहाँ नक्स वॉमिका भी बहुत अच्छा काम करती है, तो नक्स वॉमिका और कार्डुअस ऐसी समस्या में जो कि पाइल्स या हेमरॉइड्स एल्कोहलिक्स जो लोग हैं उनमें ये बेहद हेल्पफुल और बेहद आपको मदद कर सकती है। कार्डुअस को हम कई बारी इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स में भी हम दे सकते हैं, तो अगर इन्फ्लुएंजा का भी प्रॉब्लम है जिसके साथ साथ आपको एक लिवर एरिया में सोरनेस, पेन, एक भारीपन हो रहा है, तो भी आप कार्डुअस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी होम्योपैथी की जो ये दवा है कार्डुअस, जो मदर टिंचर के रूप में बेहद हेल्पफुल होती है, तो इसकी 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 से 3 बार आवश्यकता अनुसार लिया जा सकता है, जो आपके लिवर हेल्थ को या आपका जो जिगर है इसके बाइल सिक्रीशन को या आपके डाइजेशन को, आपके मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, आपके पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, अगर स्प्लीनिक एनलार्जमेंट है या हेपेटोस्प्लीनोमेगैली है, इन सब समस्याओं में ये हमारी दवा कार्डुअस मेरिनस या सेंट मेरिस थिसल बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं आशा करती हूँ अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया कार्डुअस मेरिनस होम्योपैथिक दवा के बारे में, आपने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है, तो क्या करना है, वीडियो को अवश्य शेयर करना है अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ, ताकि बाकी लोग भी होम्योपैथी के दवाओं का लाभ उठा सके। अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं होम्योपैथी के बारे में शेयर करती हूँ उसे आप मिस नहीं करें। अगर आप चाहते हैं हमसे अपॉइंटमेंट लेना, आपको क्या करना है, जाना है हमारे वेबसाइट drarpana.com पे। अगर आप चाहें हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।